विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर वीरवार को अपने जन्म दिवस के अवसर पर वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक ज्वालामुखी विधानसभा संजय रतन अपनी पत्नी रीतु रतन पुत्र सर्वेश रतन के साथ माँ ज्वाला की पवित्र ज्योतियों के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने माँ ज्वाला की विधिवत पूजा अर्चना की और परंपरा के साथ हलवे का भोग माँ को अर्पण किया। उन्होंने माँ ज्वाला से जन कल्याण के लिए प्रार्थना भी की। इस मौके पर उन्होंने अनौपचारिक वार्ता में कहा कि वह माँ ज्वाला के अनन्य भक्त हैं और माँ के आशीर्वाद से उनका हर कार्य होता है। आज जन्म दिवस के अवसर पर माँ के दर्शन परिवार सहित करने पहुंचे हैं और पूर्व में ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क के क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास करवाने में कोई भी कमी नहीं रखी। उन्होंने कहा कि मैं ज्वालामुखी क्षेत्र के 70,000 मतदाताओं को अपना परिवार मानता हूं। ऐसे में उन्हें पूरी अपेक्षाएं हैं इलाके की जनता से कि जिस प्रकार पहले भी जनता के आशीर्वाद से उन्हें इस क्षेत्र की रहनुमाई करने का अवसर मिला, आगे भी उनका साथ जनता देगी और वह इस क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करने में कोई कसर नहीं रखेंगे। इस मौके पर उनके साथ पूर्व न्यास प्रधान दिव्यांशु भूषण दत्त, पूर्व न्यासी सुरेंद्र काकू व अन्य पुजारी गण भी मौजूद रहे। मंदिर प्रशासन की ओर से उन्हें माँ ज्वाला की फोटो और चुनरी स्मृति चिन्ह दे के उन्हें भेंट दी गई। ऐसे तो मैं ज्वालामुखी चुनाव क्षेत्र का बसिंदा हूँ और महामारी के चरणों में मैं रहता हूँ, अक्सर मंदिर में आना रहता है, लेकिन आज मैं एक स्पेसिफिक पर्पज से आया हूँ कि आज मेरा जन्मदिन है और मैं माँ का आशीर्वाद लेने परिवार सहित आया हूँ और मुझे आशीर्वाद मिला है माँ माई का और इस आशीर्वाद के साथ मैं आगे बढ़ूँगा और ज्वालामुखी क्षेत्र की जो जनता है, जो मतदाता हैं, उनका आशीर्वाद भी मुझे पहले की तरह मिलता रहेगा और मैं उनकी आकांक्षाओं के ऊपर जो है वो खरा उतरने का प्रयास करूँगा, ये मेरा मानना है। और ज्वालामुखी मतदाताओं का और पूरी जनता का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ रहा है और भविष्य में भी ऐसा रहेगा और हम सब मिलकर जो है वो इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए ज्वालामुखी से ब्यूरो रिपोर्ट।